इस बार सिर्फ हम लोग सरकार का जो दिशा निर्देश आया था उसके तहत उस प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। सारे छात्रावास में पूजा होने से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के है कि पटेल छात्रावास में पूजा क्यों नहीं हो रहा है, और ये पूरे प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अरे भाई पटेल में पूजा नहीं हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा पूजा समिति सरदार पटेल छात्रावास है, और इतनी अपार भीड़ होती है कि प्रशासन के भी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर मेरे कंट्रोल में कैसे रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हम मौजूद हैं सरदार पटेल छात्रावास में जहाँ की सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। जी, इस बार सिर्फ हम लोग सरकार का जो दिशा निर्देश आया था उसके तहत उस प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप लोग परमिशन लिए थे। परमिशन लेने की जरूरत कहाँ है, वैसे हम लोगों की बातचीत हुई है सदर एसडीएम से, हम लोग पूजा करवा ही नहीं रहे, ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये आप लोग पैसा चंदा इकट्ठा नहीं किए? बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं, ये खुद यहाँ के सीनियर भैया कुछ हेल्प किए हैं, उसी के मदद से एक छोटी सी मूर्ति बैठाई गई है। और हम आपको बता दें, आपको भी मालूम होगा कि यहाँ का जो सरस्वती पूजा समिति है वो भारत की सबसे बड़ी सरस्वती पूजा समिति है, तो ये इस तरीके से तो पूजा होता नहीं। तो ये सिर्फ हम लोग, पहले तो बहुत धूमधाम होता था, इस बार थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोग को भी। नहीं, हम आपको बता दें कि सारे छात्रावास में पूजा होने से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के है कि पटेल छात्रावास में पूजा क्यों नहीं हो रहा है, और ये पूरे प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अरे भाई पटेल में पूजा नहीं हो रहा है। यहाँ क्यों कहा जाता है कि पटेल में पूजा नहीं, तो थोड़ा लोग को अजीब लग रहा है। ऐसा था कि ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि पटेल छात्रावास का जो पूजा होता है, इसका जो विसर्जन होता है, यहाँ बिहार का जो डीजीपी है, पटना के जो सीनियर एसपी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, तमाम जो आला अधिकारी होते हैं, वो प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत प्रशासन यहाँ पे आई भी है। अब ये प्रशासन मौजूद है, इस बात की जानकारी हम लोगों को भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कहीं से आदेश ही नहीं लिए हैं, क्योंकि आदेश क्यों ले, हमको पूजा करना ही नहीं। ये तो बाहर के लॉज के जो बच्चे हैं उन लोगों को पहले से मालूम होता था कि पटेल में इस तरीके से धूमधाम से पूजा होती है, तो वो देखने के मकसद से सिर्फ आ रहे हैं। देखेंगे बस, आप देखिए कितने खुश हैं कि चलिए सरस्वती पूजा मना रहे हैं। देखिए, खुशी तो है, लेकिन इस बात का थोड़ा सा है भी कि सरकार की तरफ से जो हम लोग कोरोना जो गाइडलाइंस होता है उसको पालन करते ही हम लोग बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप बताइए। जी, पूजा तो हम लोग मतलब सरकार द्वारा यह गाइडलाइंस जारी किया गया था कि कोविड है, इसे थोड़ा सा अपना मतलब गाइडलाइंस को देखते हुए भव्य पूजा नहीं करें, क्योंकि जब हम लोग पूजा करते हैं तो हजारों की संख्या में प्रसाद खाने के लिए लोग आते हैं। अभी भी आ रहे हैं धीरे-धीरे। जी, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेशन में भी हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं, तो इसी बात को लेकर के सरकार एक चिंतित विषय में थी कि जो अगर ज्यादा की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी तो कोविड की फैलाव हो सकता है। पटेल छात्रावास में इतना फीका फीका पूजा कैसे? देखिए, जब सरकार का गाइडलाइन है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, जाहिर सी बात है कि हमारा पूजा भारत का सबसे बड़ा सरस्वती पूजा समिति है, और तो हाँ, भारत का सबसे बड़ा पूजा समिति सरदार पटेल छात्रावास है, और इतनी अपार भीड़ होती है कि प्रशासन के भी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर मेरे कंट्रोल में कैसे रहेगा। अभी कुछ है नहीं, उसके बावजूद ही प्रशासन मौजूद है। तब प्रशासन का अपना काम है कि चलिए सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, पटेल वाले आज्ञा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो गाइडलाइन है हम पालन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। बड़ा पूजा का है? खुश कितना आज के दिन? खुश भी है, लेकिन बड़ा आयोजन नहीं करने का गम भी है। बड़ा आयोजन को थोड़ा मिस कर रहे होंगे कि? हाँ, जरूर जरूर, सब हम ही नहीं शहरवासी मिस कर रहे हैं। तो बड़ा आयोजन कितना मिस कर रहे हैं, मतलब कि पहले बहुत धूमधाम से होता था, इस बार बहुत फीका फीका मना रहे हैं? हाँ, इस बार थोड़ा कम हो गया, हम लोग छोटा, इसलिए सरकार गाइडलाइंस रखते हुए कोरोना का, इसीलिए हम लोग छोटा कर रहे हैं। आप बताइए, निराश हैं, खुश हैं, क्या हैं? देखिए, बहुत बड़ा प्रोसेशन वगैरह हम लोग का पूजा होता था, इसके लिए तो खुशी रहता ही था, लेकिन एक्चुअली में ये आप समझिए कि घर के अंदर जैसे सभी लोग पूजा करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं तो सरस्वती पूजा करेंगे, ये एकदम बिल्कुल सही है, इसीलिए हम लोग अब ये घर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग को मना नहीं कर सकते ना, इसलिए लोग आ ही रहे हैं। देखिए, पटेल छात्रावास है जहां इस बार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा सरस्वती पूजा। आप देख सकते हैं कि मूर्ति कितनी छोटी है, लेकिन ये लोग पूरे दिल से मना रहे हैं इस बार भी, और पालन भी हो रहा है, क्योंकि देखिए प्रशासन जो है वो मौजूद आपको दिख रही होगी कि कोई भी तरह का कुछ भी दिक्कत ना हो इस छात्रावास में, तो प्रशासन भी है। कितने खुश हैं आप ये बताइए? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। तो आपने पटेल छात्रावास देख ही लिया कि इस बार ये लोग धूमधाम से नहीं मना रहे हैं, तो थोड़े से निराश हैं, लेकिन खुश भी हैं कि मना रहे हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।